नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं पूजा हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज का विषय पाठ 3 श त्र ज्ञ श्र संयुक्ताक्षर। तो आज हम पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर। सबसे पहले मैम आपको बताएंगी संयुक्ताक्षर क्या होता है। संयुक्ताक्षर क्या होता है, तो ये सबसे पहले हम जानेंगे संयुक्ताक्षर होता क्या है। ये दो दो वर्णों के मेल से बनते हैं, यानी ये दो दो वर्णों के मेल से बनते हैं। जब हम कोई दो वर्ण लेते हैं तो हमारा बनता है संयुक्ताक्षर। तो अब हम आगे जानेंगे कि ये कैसे बनते हैं। जैसे इन्हें स्वतंत्र वर्ण नहीं माना जाता है, और ये ना ही ये स्वतंत्र होते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो के साथ मिलकर बने हैं, इसलिए इन्हें स्वतंत्र नहीं कहते हैं। और ये दो मिलकर बनते हैं तो ये बन जाते हैं संयुक्ताक्षर, क्योंकि इनकी रचना दो व्यंजनों के मेल से बनती है। ये कोई भी दो वर्ण होते हैं जब मिलकर ये एक पूर्ण वर्ण बनता है, और इसे कहते हैं संयुक्ताक्षर। तो आगे हम पढ़ेंगे, जैसे क, ये नीचे हलंत लगा है, देखो छोटी सी स्लांटिंग लाइन लगी हुई है, इसको कहते हैं हलंत, और इसको हम बोलेंगे आधा क। क जमा श, और ये बन जाएगा श। आधा त जमा र त्र। तो प्रश्न संख्या 70 का अब हम अभ्यास करेंगे। श क प्लस श काक्ष काक्ष रक्ष के रक्षक अक्ष ये अक्षय काक्ष रक्षा अक्षय रक्षा शिक्षा परीक्षा रक्षा शिक्षा परीक्षा लक्षण अक्षर अक्षत। फिर से दोबारा पढ़ेंगे, लक्षण अक्षर अक्षत कक्षा दीक्षा क्षमा कक्षा दीक्षा क्षमा। इसी तरह अब हमारा ये दूसरा वर्ण है त्र त जमा र। अब इसके कुछ शब्द पढ़ेंगे, पत्र सत्र इत्र। दोबारा से, पत्र सत्र इत्र मित्र पुत्र चित्र त्रिकोण त्रिभुज त्रिफला। एक बार इसको दोबारा से दोहराएंगे, काक्ष रक्षा अक्षय रक्षा शिक्षा परीक्षा लक्षण अक्षर अक्षत कक्षा दीक्षा क्षमा पत्र सत्र इत्र मित्र पुत्र चित्र त्रिकोण त्रिभुज त्रिफला। बहुत अच्छा, मैं आशा करती हैं आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा, और एक बार दोबारा से आप इसको स्वयं भी दोहराएंगे। और अब हम इसी तरह अगली वीडियो में कुछ नया और रुचिकर लेकर फिर वापस आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहें, खुश रहें, बाय बाय।